अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? फ्री से उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप भी कुछ ठीक ठाक होंगे। गाइस आज के व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हूँ। हमारी साइट पे माशाल्लाह बहुत सारी लेबर जो है हमारी कसीर तादाद में लेबर काम कर रही है, जिसमें स्टार भाई की टीम है, उसके बाद हमारे जो सीलिंग वाले उनकी टीम है, जो हमारी बिजली वाली उनकी टीम है, उसके बाद टाइल वाले अलग से काम कर रहे हैं, उसके बाद रज़ाक भाई जो हैं हमारे रंगसाज वो अपना अलग से काम कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जो है वो अपना अलग से काम कर रहा है। माशाल्लाह देखें कितने लोगों की यहाँ पे रोज़ी रोटी का सिलसिला चल रहा है। ये अल्लाह ताला की एक ख़ास अनायत है, बरकत है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन मुसबब अल असबाब है। बहुत सारे लोगों का जो रिज्क है उसके बहाने हैं कि वो आपको किस तरह मिलना है, अल्लाह ताला जो है उसके ज़रिए पैदा करते हैं। कल हमने ये वाशरूम की जो टाइल थी ये वाला जो हमने क्लियर कर लिया था, इसकी जो फ्लोर है वो बाकी है। फ्लोर का जो काम है वो मुस्तफ़ा के साथ आज का टाइम बना हुआ है, शायद उम्मीद तो बहुत है कि आज ही हम फ्लोर क्लियर करें। इसका हमने अभी कच्चा कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फ्लश की जो सीट है वो भी अभी लगाने वाली है। ये वाली जो दीवारें हैं मैं आपके कल के व्लॉग में दिखा चुका हूँ कि ये हमने मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद जो हमारे सीलिंग वाले हैं उन्होंने हमारा ये वाला जो बेडरूम है, उसके बाद ये दूसरा मास्टर बेडरूम है, ये कम्प्लीट कर लिया था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ये चीज़, हाँ जी ये वाला इन्होंने क्लियर कर लिया था, बहुत डिसेंट डिज़ाइन है। हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत रीज़नेबल डिज़ाइन में रहें, बहुत ज़्यादा जो शशके हैं लशपश वो ज़ाती तौर पे भी पसंद नहीं है। उम्मीद है कि लोग जो हैं हमारी राय का एहतराम करेंगे, क्योंकि हम ये सब कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए ही कर रहे हैं, एक रीज़नेबल जो चीज़ बनवा रहे हैं। उसके बाद जो रज़ाक भाई हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, वाइट सीमेंट क्योंकि एक ग्राउंड चाहिए थी, बेस चाहिए थी, जहाँ पे हमारे प्लस्तर गीले हैं, जैसे कि आपको वो सामने नज़र आ रहा है गीला है, वहाँ पर रज़ाक भाई हैं वो वाइट सीमेंट करेंगे। वाइट सीमेंट का फ़ायदा ये होता है कि कल को जब हम प्रॉपर रंग शुरू करेंगे, कलर शुरू करेंगे, तो हमें एक ऑलरेडी एक खूबसूरत बेस जो है वो बनी हुई नज़र आएगी। और रज़ाक भाई को मैंने कल सामान परचेज़ करके दे दिया था, आज उन्होंने अर्ली मॉर्निंग आके अपना काम शुरू कर दिया। रज़ाक भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है, ठीक है। गाइस रज़ाक भाई जो हैं ये माशाल्लाह मुसलसल हमारे साथ अटैच हैं, काम करते हैं, एतमाद वाले बंदे हैं, काम करने का जो इनका अंदाज़ है वो भी अच्छा है, और बहुत यानी मोहब्बत करने वाले इंसान हैं काम के साथ भी और अपने क्लाइंट के साथ भी। उसके बाद ये वाला हमने एरिया शुरू करना है अब, इसको ये हमारा सिटिंग एरिया है, टीवी लॉन है। इसके बाद हमारा किचन है, किचन जो है वो हमारा मुकम्मल तकरीबन हो गया था, ये लड़का उसकी फिनिशिंग कर रहा है किचन की। ये किचन की डिज़ाइन है, यहाँ पे जो हमारा वॉशरूम था ये तो कंप्लीट हो गया था कल परसों, और इसके बाद ये इधर आ जाएंगे इस रूम में, तो ये सिलसिला है। उसके बाद हम हमारा जो काम है वो चाल के हिसाब से हम चल रहे हैं, जहाँ पे जगह अवेलेबल होती है इस घर में वो हमने लाजमी करना होता है। यहाँ पे आए तो हमारे भाई अब्दस्तार साहब और जो का आसिफ है वो यहाँ पे टाइल उन्होंने लगानी शुरू कर दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या चाल है? ठीक ठाक खरीद है? अच्छा हाँ जी, कर दिया शुरू? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भैया आपके पास माशाल्लाह सामान पूरा है? हाँ जी माशाल्लाह सामान, कोई मसला मसाइल नहीं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह सर, भी आप सुनाएं सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, भी आप आजकल क्या कर रहे हैं? बस आजकल जी ये आसिफ भाई से
सबक लेते रहते हैं, कैसे करते हैं हम भी। अच्छा सही है, माशाल्लाह आपके काम की बहुत तारीफ हुई है। बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ दोस्त हैं जो जमाली साहब बहुत दिनों के बाद वापस आए हैं। आ गए वापस? हाँ जी। मेरी तरफ से उनको सलाम बोलता जी। सलाम बोल रहे हैं इस्तार भाई जमाली साहब। और जमाली साहब ने कल हमारे काम की तारीफ की है, और उन्होंने जो हमारे अरब लोग हैं जो अरबी बोलते हैं वो खुश होकर जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि खुशी की इंतहा है। उन्होंने जब कमेंट लिखा है तो आखिर में उन्होंने अल्लाह अकबर भी लिखा है। तो आपको तो पता ही है कि अल्लाह अकबर क्यों कहा जाता है। हाँ, यानी जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो फिर कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या जब हम हैरान होते हैं तब कहते हैं। तो यानी उनकी सोच में नहीं था कि ये यहाँ तक भी पहुँच गए। हाँ, ये इंसान है या जिन्नात है। तो बाकी माशाल्लाह हमारा काम जारी और सारी रहेगा अल्लाह के फजल से। आज जुमेरात है। ठीक है सर, भी आप अपना काम करवाएं, बाकी बातें फिर होती रहेंगी। लाइट चली गई थी अभी, गई हुई है लाइट। अच्छा चले, देखते हैं अभी क्या बनता है। ठीक है सर, गज यहाँ पे हमारे जो टीवी लान है, यहाँ पे जो हमारे उस्ताद हैं, साजिद साहब उस्ताद हैं, ये उस्तादियाँ करते हैं यहाँ पे। ये अपना काम किए जा रहे हैं, ये चीज़ बनाएंगे यहाँ पे, ब्लॉक्स हैं। कितना कितनी पैमाइश है भाई साजिद भाई, ये हर डब्बे की कितनी पैमाइश है? 23-24। अच्छा, इंचेस में। हाँ जी। चलो सही, माशाल्लाह। चलें देखते हैं जी। अच्छा, इसके अंदर आपने वो लाइट रखनी है यार, वो रखें यार, वो प्यारी लगती। किधर आएगी लाइट? अच्छा, तो फिर ये जो लाइट के हैं वो वाली जो तार नज़र आ रही है, ये फिर किस तरह मेंटेन होगी? लाइट आ जाएगी। अच्छा, लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, चले देखते हैं आप क्या डिज़ाइन बनाते हैं। हाँ नहीं, माशाल्लाह इतने खूबसूरत बन गए हैं। अच्छा जी, ये कितना डाउन होगा? 3 इंच। 3 इंच डाउन होगा और अंदर से खाली होगा। अच्छा, और इसको बंद कैसे करेंगे? ये डबल डबल करेंगे बॉक्स? जी जी जी। यानी जहाँ पे ये दूसरी लाइन नज़र आ रही है एक जी जी। अच्छा अच्छा, ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, अब शुरू है आपका। हाँ जी। ये थोड़ा मुश्किल है ना डिज़ाइन? जी। सही साजिद भाई, यहाँ पे इनकी तीसरी चौथी छत है हमारे घर में, तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। वो तो कहते हैं जी जिस तरह का मर्ज़ी डिज़ाइन दे दें, डिज़ाइन बन जाएगा, फिनिशिंग और जो क्लीनिंग है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप आ जाएं फिर। तो इन्होंने माशाल्लाह ये शुरू किया हुआ है, ये अभी चीज़ें हमारी फिनिश होनी है। जी जी जी। हाँ, वहाँ पर थोड़ा मसला नज़र आ रहा है मुझे। और साजिद भाई, इसके अलावा कौन सा गाँव है आपका? 323 EB। और हरून आपका काम कौन सा है? 255 EB। अच्छा, और ये जो लड़का है इसका भी 323। अच्छा, आप दोनों का 323 है जी। मिला के चार कितना हो गया? 646 हो गया। और 255 उसके भी मिला लो, कितने हो गए? मिलाओ यार। अच्छा, तो फिर जाने का क्या रास्ता है? आप किस तरह जाते हैं जी? बाइक पे जाते हैं जी, जी, जी। है कोई 10-15 मिनट का रास्ता? 20 मिनट लग जाते हैं। आप तो माशाल्लाह सुबह भी अर्ली मॉर्निंग आए होते हैं ना? जी जी। 5:30-6 बजे आप आ जाते हैं? जी 5:30। नमाज पढ़ के निकल आते हैं? जी जी। वेरी गुड यार, देखें ना कितनी अच्छी बात है, आप मेहनत करें जी। और आप जी लगा के मेहनत करते रहें, आप यकीन करें आपको कहीं से भी समर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो अल्लाह ताला आपको खुद दे देंगे। इस चीज़ के ऊपर पूरा ईमान रखें। आप जब ये सोचते हैं ना कि यार मैंने जो मेहनत की है, जो अगला बंदा है वो तो मुझे उसका समर दे नहीं रहा जी। ये समर आप किसी बंदे के पास नहीं है जी। ये सिर्फ अल्लाह ताला के पास है समर। तो जो आपका माशाल्लाह 5:30-6 बजे आना है, रात को 8-9 बजे तक काम करना है, या करते करते तो हैं आप अपनी ज़रूरत के लिए जी। लेकिन अल्लाह ताला इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, मेहनत है ना ये। हाँ जी। अगर आप सोए रहें तो काम तो फिर भी चल ही जाता है हाफ डे करके। अब मुझे वो बता रहे थे आपके भट्टी साहब के कल भी एक लड़का आएगा, फ्राइडे को छुट्टी नहीं करनी। हाँ जी।
सही माशाल्लाह बेहतरीन है यार, अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ जी आज रात आपके पास ही है। अच्छा जी इधर ही जी इधर ही सोएंगे लाते हैं साथ। अच्छा बेहतरीन हो गया, चलें ठीक है जी। साजिद भाई काम अपना मुकम्मल करें, नीचे वाली वायरिंग हमारी हो गई है वो मुकम्मल करके चले गए या अभी बाकी है? देखी नहीं है अभी बाकी है। अच्छा सुबह आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है चलें बाकी करते हैं बात। هذا طريقة مية مية ممتاز सार भाई क्या बात है यार, इतने नफासत वाला काम कैसे कर लेते हैं सार भाई आप? बस देख देख के क्या हुआ क्या आपको? आप तो ऐसे नहीं थे, देख देख के आप तो ऐसे नहीं थे सार भाई। अच्छा अच्छा सार भाई आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे कभी भी नहीं थे। अच्छा ये किधर जाएगी टाइल ये वाली सर जी? एक सेकंड मुझे भी आने दो। अच्छा ये पॉइंट ये चीज वेरी गुड, ठीक निकला है पॉइंट। खोल देना दोस्तों अभी जरा साइड में डेमो दिखाने दे मुझे। गाइस ये हमारा वॉशरूम है ग्राउंड फ्लोर पे कॉर्नर वाले घर पे, ये आपके सामने है। इसका तकरीबन 3 फुट मेरे ख्याल में लग गया जी 3 फुट तक हमें लगा चुके हैं। यहाँ पे हमने कमाल महारत दिखाई है, ये भी मैंने इनसे गुजारिश की थी कोई महीना डेढ़ महीना पहले गुजारिश करती थी अपनी चीज़ें। एक तो ये मैंने कहा था कि आपने ये बिट लाजमी लेके आनी है सुराख करने के लिए, दूसरा कटर, तीसरा जितने भी हमारे कोने होंगे इनकी हमने कॉर्नर बना के लगाना है, कॉर्नर कलम काटनी है इसकी। तो आज इन्होंने अस्तार भाई की जो टीम है आसफ़ साहब उसमें शामिल हैं, इन्होंने जो हमारे लगाए हैं कॉर्नर कोने इसको कलम बना के काटा है इसको, ये आपको देख रहे हैं नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा मंजर है। बाकी गाइस आपको काम दिखाते हैं, मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। जो इसका असल कलर है वो यहाँ पर ऐसे नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट और रोशनी की वजह से, बाहर सूरज की रोशनी की वजह से। गाइस हम कुछ परचेजिंग करके लाए हैं अपनी वॉशरूम्स के लिए, क्योंकि एक दो दिन तक फ्लोर का काम जो है वो हमारा शुरू हो जाएगा। तो फ्लोर में हमें जो हमारी फ्लश के लिए जो सीट चाहिए थी वो हम ले आए हैं। अच्छा बाकी इधर रखवा दिए, दो इधर रखवाने, चलो ठीक दो इधर रख दिए दो इधर, ठीक है भाईजान और कोई चीज़ तबेदार। अच्छा उसके बाद ऊपर यहाँ पे हमारे जो बिजली वाले हैं वो अपना नीचे वाला काम मुकम्मल कर रहे हैं, तैयब साहब जो हैं वो बहुत यहाँ के बड़े मशहूर मरूफ इलेक्ट्रिशियन हैं, देख उधर रहे हैं असल में। अस्सलाम वालेकुम तैयब साहब, क्या हाल है? ठीक है जी खैरियत है। तैयब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया?
कभी कमेंट तो नहीं किया कभी आपने कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता चले। अच्छा ये अच्छा ये हमारी मुकम्मल होगी जी बारी वेरी गुड चलें इनके लिए काम आसान हो गया भाई भाई के लैड बॉक्स हैं हाँ जी तो इनकी हाफ में डाल समझ नहीं मुझे भाई लैड बॉक्स है ना हाँ जी इस घर के जो उनसे आ रहे हैं ना अंदर वो आठ लैड बॉक्स आ रहे हैं जो बाहर लाइट जलेंगी अच्छा अच्छा इस घर के अंदर अंदर जो उनसे है ना वो आठ है ठीक है उन आठों को कितने पे डिवाइड करें आप उन आठों को चार पे डिवाइड करते हैं चार एक पटन पे चार चले नहीं इस तरह नहीं मैंने कहा दो जरब चार करेंगे हाँ जी हर पे हर प्लग पे दो एक प्लग पे दो हाँ जी ठीक है हाँ जी बस और क्या करना है क्या रद्द है ऊपर आपका हेल्पर है सर अस भाई अपना आखिरी पीस लग रहा है गाइस ये वाला हमारा वॉशरूम जो है वो कंप्लीट हो चुका है इसकी फिलिंग बाकी है लड़का सफाई वगैरह कर रहा है ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम मुकम्मल हो चुका है अभी इसकी सफाई जो है वो बाकी है बाकी चीज़ें आपके सामने है इसके अलावा नीचे वाली जो बिजली की वायरिंग है ये चल रही है ऊपर वाला जो हमारा काम है सीलिंग का वो भी जारी है और लड़के फुल अपनी स्पीड में काम को निपटाई जा रहे हैं किचन हमारा सबसे पहले किचन आएगा सीढ़ियों के ऊपर आते उसके बाद ये हमारा बेडरूम है वन उसके बाद ये हमारा सिटिंग एरिया है यहाँ पे सिटिंग एरिया की जो सीलिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है लड़का तैयारी लगा रहा है यहाँ पे अब बताइएगा कि हमारा डिज़ाइन कैसा है कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह मुनफरद डिज़ाइन हो मुख्तलिफ हो बाकियों से उसके साथ साथ पहले भी बता चुका हूँ कि रजाक भाई जो हैं वो अपना रंग वाइट किए जा रहे हैं वो करके चले गए ये कमरा आपको वाइट नज़र आ रहा होगा वाइट वॉश ये पहले नहीं था काफ़ी फ़र्क पड़ता है गाइस वाइट करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है ये देखें आप पहले इस तरह नहीं था यहाँ पे जो हमारे मुस्तफा भाई हैं इन्होंने फ्लश फिटिंग वगैरह शुरू कर दी है ये अपनी तैयारी देंगे तो आसफ़ साहब यहाँ पे अपना फ्लोर लगाएंगे अच्छा यार ये जो छींटे वगैरह ये आराम से उतर जाएंगे अच्छा सही है चलो हाँ कपड़े से आराम से हो जाएंगे कपड़ा है तो कपड़ा यार कपड़ा मंगवाया था भाई आसिफ भाई ये हमारी जो सीट है इसका कितना है मुस्तफा भी आप बताएं जी ये हमारा कितना वाया है कौन सा लेंथ कितनी है वेथ कितनी है अच्छा 30 इंच और 40 यहाँ पे इसके ऊपर और जिसको इसका जो फुट स्टेप है वो कितना है यानी ऊपर जाने के लिए 4 इंच है ठीक है आसिफ भाई आपको याद है कि मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की हुई है कि यहाँ पे भी हमने जो टाइल लगानी है उसकी कलम काट के लगानी है ऐसे पता चले कि जैसे इन्होंने कोई बना बनाया ये पीस ला के रखा है ठीक है मेरे भाई इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है और कलम आपने ख़ुद काटनी है क्योंकि ज़िम्मेदारी आपकी है कलम ख़ुद काटें चलें मुस्तफा भाई और कोई काम इसके अलावा आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं ठीक है इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन फिर मुलाकात होगी आप इतने सुकून में कैसे रहते हैं क्या मसला है अल्लाह का फजल है ठीक है माशाल्लाह अल्लाह हाफिज़